इनिशिएशन सिस्टम। इनिशिएशन सिस्टम क्या होता है? इनिशिएशन सिस्टम से क्या मुराद है? एनीवन प्लीज। जी क्या है इनिशिएशन सिस्टम? मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं आप? यस सर, सब ब्लास्टिंग कैप जिससे इनिशिएट किया जाए, फ्लावर स्टार्ट किया जाए। ब्लास्टिंग कैप ठीक है, वो तो एक कंपोनेंट हो गया ना, पूरा सिस्टम मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो अटैच करके आप जो एक्सप्लोजिव है विद इन बोर होता है उसको इनिशिएट करना है आपने, ठीक है, उसको चलाना है, उसको इनिशिएट करना है। तो उसके डिफरेंट मीन्स है, वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू इनिशिएट द एक्सप्लोजिव विद इन द बोर होल, ठीक है। आपने इनिशिएशन या सिग्नल बोर होल तक पहुंचाना है ना, तो वो बोर होल तक वो सिग्नल पहुंचाने के हमारे पास फोर डिफरेंट मेथड्स हैं। या इसको इस तरह कैटेगराइज कर लें कि इलेक्ट्रिक मेथड है या नॉन इलेक्ट्रिक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मेथड एंड नॉन इलेक्ट्रिक। और जब नॉन इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो इसमें थ्री टाइप्स हैं, नंबर वन कैप एंड फ्यूज, नंबर टू जो है डेटोनेटिंग कॉर्ड, नंबर थ्री नॉर्मल सिस्टम, एंड देन द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द इलेक्ट्रिक डेटोनेशन सिस्टम। अब इसमें हमने बारहा जिक्र किया है कि ये कैप एंड फ्यूज क्या है, ये अभी कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन सर। जी कैप एंड फ्यूज, ठीक है, ये इनिशिएशन सिस्टम कैप एंड फ्यूज। इसमें जो है वो फोर सिस्टम है, इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। कैप एंड फ्यूज जो है इग्नाइटर को, ये इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये जो है वो कैप एंड फ्यूज की जो है वो आप देख रहे हैं कि कवरिंग है, इसमें ब्लैक पाउडर होता है, ठीक है। कैप एंड फ्यूज इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम, ये सबसे पुराना सिस्टम है कैप एंड फ्यूज का। तो डिस्कवर्ड बाय बिग फोर्ड इन 1831 जो बिग फोर्ड ने जो है इसको जो है वो डिस्कवर किया था। अब ये है क्या, आप देख रहे हैं कि ये एक जो ट्यूब है ये एक वाटर प्रूफ जो है वो फैब्रिक की एक वैक्स टाइप मटेरियल की ये कवरिंग है, ट्यूब है। इसकी इनर कोर जो होती है जैसे ये इलेक्ट्रिक वायर आपकी होती है ना, प्लास्टिक की वायर जो है, और इसकी इनर जो है कोर उसमें जो है मेटालिक वायर होती है, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो इनर कोर है वो डेट इज फिल्ड अप ऑफ ब्लैक पाउडर, उसको ब्लैक पाउडर से फिल किया जाता है, मेड ऑफ ब्लैक पाउडर कोर। कोर क्या है इसमें? ब्लैक पाउडर। ब्लैक पाउडर बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर एंड चार कोर। पोटेशियम नाइट्रेट जो है 74% होता है, 16% जो है सल्फर एंड 10% चार कोर। इनमें वैक्स फाइबर कवर, तो ये वैक्स फाइबर कवर है ये देख रहे हैं आप, ये जो इसकी आउटर कवरिंग है और ये जो इनर कोर है ये दैट इज ऑफ ब्लैक पाउडर, और ये जो कवरिंग है प्लास्टिक कवरिंग है या वैक्स कवरिंग है, ये जो रैपिंग है दैट इज वाटर प्रूफ। अब इसमें जो है वो क्या है, ब्लैक पाउडर, और ब्लैक पाउडर जब इनिशिएट होता है तो इसकी डेटोनेशन होती है या डेफ्लेग्रेशन होती है? जी ब्लैक पाउडर की डेटोनेशन है या डेफ्लेग्रेशन बताएं। जी बोले एनीवन प्लीज। ब्लैक पाउडर को आप इनिशिएट करते हैं, विल इट डेफ्लेग्रेट और डेटोनेट?
बोलो भाई, डेफिनेट करेगा क्योंकि लो एक्सप्लोजिव है, इसकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। दो एक्सप्लोजिव आप भूल चुके हैं मेरे ख्याल, दो ही एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव और लो एक्सप्लोजिव। एक जो है जिसकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन मोर देन स्पीड ऑफ साउंड है, एक का रेट ऑफ रिएक्शन लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। तो ये ब्लैक पाउडर जो है दैट इज पाउडर 1200 फीट पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली इसकी जो है वो, इसको वीओडी नहीं कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन नहीं है इसकी, जो इस तरह ये जो स्पीड है इसकी वो ये है। तो वो ये जब इसको इनिशिएट करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से आप इसको, इसको इनिशिएट करने के भी डिफरेंट वेज है, दो डिफरेंट वेज से हम इसको इनिशिएट करते हैं, इसको मैच बॉक्स से नहीं करते क्योंकि मैच बॉक्स में इतना जो है वो टेम्परेचर नहीं होता। तो हम इसको जो है वो 7 इंच जो है वो एक जो है वो वायर, एक स्पार्कलर है जैसे फायरवर्क्स के लिए आप यूज करते हैं जिसका हॉट इंटेंस टेम्परेचर होता है, उससे जो है इसको या इनिशिएट करते हैं या इग्नाइटर को होता है। तो स्पेशल इसको इनिशिएट करते हैं विद स्पेशल डिवाइसेस। तो जब ये इनिशिएट होता है तो फिर क्या होगा, ये कोर अंदर जो है ये बर्न करना शुरू कर देती है। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कोर बर्न करती है और इसका बर्निंग रेट क्या होता है, 40 सेकेंड्स में 1 फुट को बर्न करती है ये। इन 40 सेकेंड्स इट बर्न 1 फुट ऑफ द सेफ्टी फ्यूज, और इसमें प्लस माइनस 10 सेकेंड्स हो सकते हैं इसमें। तो 1 40 सेकेंड्स में जो है वो ये इसका जो है वो 1 फुट को बर्न करेगी। तो आप एटलीस्ट, हमने इसको फील्ड में रखा हुआ है कि 2 फीट मिनिमम जो है वो इसकी जो है वो लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि 2 फीट ये कितनी देर में बर्न करेगी, फिर अगर ये 80 सेकेंड्स में जी, एक जो है वो फुट जो है वो 40 सेकेंड्स में बर्न कर रही है, तो 2 फीट जो है वो 80 सेकेंड्स, ताकि उसको आप उसको इनिशिएट करके आप सेफ प्लेस पे चले जाएं और फिर ये जाके वो जो डेटोनेटर जिसके साथ अटैच किया हुआ है उसको ये इनिशिएट करें। तो एक तो ये जान लें कि कैफन फ्यूज जो है, जैसे आप ये देख रहे हैं, टाइप ऑफ वैक्स वैक्स फाइबर है और इसकी जो है इनर कोर है उसको ब्लैक पाउडर से भरा हुआ है। इनर कोर इज फिल्ड विद द ब्लैक पाउडर। ब्लैक पाउडर की कंपोजिशन क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर एंड चारकोल इन द रेशियो 74, 16 and 10, ठीक है। द फ्लेम मूव्स थ्रू द सेंट्रल कोर टू द हीट सेंसिटिव डेटोनेटर। अब इसका आपने इनिशिएट कर दिया, इसके दूसरे एंड पे क्या लगा होगा, डेटोनेटर। डेटोनेटर डेटोनेटर कैसे होते हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये डेटोनेटर जो है, ये जो कॉपर या एलुमिनियम के ये डेटोनेटर, इसकी जो है तकरीबन 1.5 इंच इसकी लेंथ होती है, 1/4 इंच जो है इसका डाया होता है, एक एंड इसका ओपन होता है और उसके साथ ये देखें, आप इधर देख रहे हैं अगर कर्सर को, कि इसके साथ ये सेफ्टी फ्यूज को अटैच किया गया। तो ये क्या है, डेटोनेटर। डेटोनेटर जो है उसको सेफ्टी फ्यूज के साथ जो है वो अटैच किया गया। आपने इसको यहाँ से इनिशिएट कर दिया, अब स्पार्क जो है वो मूव करेगा विद इन दिस जो है वैक्स जो है फाइबर। जब ये यहाँ पे ये स्पार्क मूव करेगा तो ये जो बर्निंग जो होगी डेट विल बी फ्रॉम द कोर नॉट फ्रॉम द आउटर वैक्स फाइबर। तो इसको कहते हैं हम कि ये एक इग्निशन स्पिट बनाता है इसकी, आपको बाद में मूवी भी इसकी दिखाऊंगा कि ये इग्निशन मूव करती है तो यहाँ से स्पार्क ये जलता हुआ कोर इसकी नज़र आती है और जब ये ख़त्म होती है तो इग्निशन स्पिट होती है, वो स्पिट जो है वो तकरीबन 2 इंच लॉन्ग होती है। तो वो इग्निशन स्पिट जो है दैट विल इनिशिएट द जो आपने जो भी चीज़ इसके साथ डेटोनेटर वगैरह लगाया है, तो वो इट विल इनिशिएट सर ये डेटोनेटर का फिनोमेना दोबारा बता दें। देखिए ये अभी टाइम हमारे पास इतना नहीं है,
ये टू वे ट्रैफिक है। मैंने जो पहले आपको चीजें बताई हैं वो सारी आप पढ़ें उसको, ठीक है। आपकी आपको मैं मैनुअल दे दिया है, एक सॉफ्ट में बुक दे दी है, और कुछ जो पढ़ा रहा हूँ वो भी साथ में आपको बता रहा हूँ। तो अभी हमारे पास टाइम जो है वो शॉर्ट है, उसमें जो है बहुत आपको दोबारा वो सारी चीजें ऐसा रिपीट नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें। दोबारा नहीं था, कुछ और पूछना चाह रहा हूँ मैं। जी बेटा बोलो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कहा था कि जो उसका कोर है वो किसी इग्नाइटर से इग्नाइट होता है, लेकिन आप इसको इग्नाइट करने के लिए यहाँ डेटोनेटर यूज कर रहे हैं। देखिए इसके टू एंड है ना, एक एंड पे तो इग्नाइट करेंगे, दूसरा एंड जो है डेटोनेटर के साथ लगेगा। एक आपने 2 फीट की आपने डेटोनेट ये जो है सेफ्टी फ्यूज काट ली, ठीक है। जब इसको वायर को या ये जो वैक्स फाइबर ये कवरिंग है इसको काटेंगे तो ये मैंने कहा 2 फीट की काट लें, एक एंड पे आपने डेटोनेटर लगाना है। और डेटोनेटर जैसे ये देखें कि ये इसका ये जो है इसका डेटोनेटर है, इसका एक एंड ओपन होता है, तो ओपन एंड पे ये इसको आप इसमें इसको इसको काट के इसमें इंसर्ट करेंगे और इसको यहाँ पे इसकी क्लिंपिंग करेंगे, करके इसको अटैच करेंगे। और अब जो डेटोनेटर है इसमें क्या है कंपोजिशन, इसको मैं आपको बता दूं दोबारा कि इसमें एक्सप्लोजिव पेन होती है, इसमें बेस चार्ज है, फिर इसमें बेस चार्ज के बाद प्राइमर चार्ज है, फिर इग्नाइटर चार्ज है, बेस चार्ज में PETN होता है। तो इसकी पावर जो है इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो इसमें लेड स्टिफनेट है, लेड एजाइड है और फिर PETN है। तो इसकी सेंसिटिविटी जो है इट इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, तो जो PETN है इज लेस सेंसिटिव एज कंपेयर टू द लेड एजाइड एंड लेड स्टिफनेट। तो होता क्या है इसमें थोड़ा मजीद इसको आगे चलेंगे तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे इसको। अब इसमें इसका बर्निंग रेट हमने कहा जी 40 सेकंड्स जो है पर फीट है। अच्छा अब इसमें अटैचमेंट का मैं आपको बता दूं कि ये आपकी जो है वो डेटोनेटर है, बेस चार्ज है, प्राइमर है, इग्निशन मिक्सचर है। अब इस एंड से जो है वो आप सेफ्टी फ्यूज को इसका जो ओपन एंड है इधर से इंसर्ट करेंगे, और कितना इंसर्ट करेंगे 3 बाय इसको जो है वो इस तरह सारा ऐसे इंसर्ट करेंगे ताकि इसकी जो है एक सीटिंग प्रॉपर इसके साथ हो जाए। अब सीटिंग का क्या मुराद है, जब आप इसको काटते हैं सेफ्टी फ्यूज को तो इसको स्क्वेयरली काटना चाहिए, स्लांटी काट इसको नहीं देना चाहिए। अगर स्क्वेयरली काटेंगे प्रॉपर इसको कटर के साथ स्केयरली काटेंगे तो इसकी सीटिंग इसके साथ ये प्रॉपरली बैठ जाएगा। अगर आप स्लांटी काट देंगे जैसे आप कलम बनाते हैं तो वो इसके साथ प्रॉपर सीटिंग नहीं होगी, और जब प्रॉपर सीटिंग नहीं होगी तो एक्सप्लोजिव जो है स्पार्क प्रॉपरली यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको समझ लें। तो एक तो है कि सेफ्टी फ्यूज आपने डेटोनेटर की ओपन एंड से इंसर्ट करना है, उसको स्केयरली काटना है और ताकि यहाँ पे उसकी एक प्रॉपर एक सीटिंग हो जाए, अटैचमेंट हो जाए, परफेक्ट अटैचमेंट हो जाए। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक क्रिम्पर लेना है। क्रिम्पर होता है कि जैसे रेंच या प्लास होता है, वो जो 3 बाय 8 इंच यहाँ से इसको क्रिम्पर से इसको ऐसे उसको स्क्वीज कर देना, उसकी अटैचमेंट उसको कहते हैं क्रिम्प कर देना कहते हैं। तो ये स्पेशल जो है वो क्रिम्पर होते हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये रेंच टाइप इसको इधर से पकड़ के ताकि ये जो सेफ्टी फ्यूज और डेटोनेटर्स की एक जो है टाइट अटैचमेंट होगी, ना इसमें वाटर जा सके और ना ही ये ब्लास्टिंग कैप इधर से उतर सके। तो ये इसकी अटैचमेंट के लिए हम क्रिम्पर यूज करते हैं। मैंने कहा जी एक कंपोनेंट हो गया डेटोनेटर, डेटोनेटर में आपने 2 फीट का सेफ्टी फ्यूज लिया, उसको इंसर्ट किया, इंसर्ट करने से पहले उसको स्केयरली काटना है आपने, ठीक है। प्रॉपर कटर होते हैं, कई दफा कैंची से काटते हैं तो उसका जो एंड स्क्वीज हो जाते हैं वहां से एक्सप्लोजिव निकल जाता है तो उसे मिसफायर हो जाता है। तो बड़ी एहतियात के साथ एक स्केयर कट आपने लगाना है एक प्रॉपर कटर के साथ ताकि एक्सप्लोजिव उसमें से ना निकले, और फिर वो जो है जो सेफ्टी फ्यूज की यहाँ पे प्रॉपर सीटिंग जब हो जाए तो
तो फिर आपने 3/8 ऑफ इंच यहाँ पे इसको क्रिम्प कर देना। क्रिम्प क्या है कि इसकी अटैचमेंट है ऑफ द सेफ्टी फ्यूज विद द डेटोनेटर। तो ये एक रेंच है, प्लास है, इससे आपने उसकी, अगर इससे ज्यादा आप करेंगे 3/8 इंच से ज्यादा इसको क्रिम्प करेंगे तो हो सकता है कि आप प्री मेच्योरली ये एक्सप्लोड कर जाए और डेटोनेटर, और उससे फिर एक्सीडेंट हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो ये इसकी अटैचमेंट। अब इसको थोड़ा सा ये पेज इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं, तो टाइम हमारे पास 6 मिनट है। इसमें बर्निंग रेट मैंने कहा जी 40 सेकंड्स पर फीट प्लस माइनस 10% इसमें जो है वो हो सकता है इसमें जो है एक्यूरेसी का प्रॉब्लम। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर। ये जो ब्लैक पाउडर है इसका जो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर पे, अगर आप इसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी ड्रॉप कर देगी। फ्रेश स्केयर कट्स शुड बी मेड टू यूज बिफोर यूजिंग। स्केयर कट का मैंने बताया कि स्केयर कट होने चाहिए और ये स्लांटी कट नहीं होने चाहिए। इस पे मिनिमम लेंथ दैट मस्ट बी यूज इज 2 मिनट्स और वो आप उसको जो है वो लगे ताकि आप सेफ प्लेस पे भेज दें। स्लांटी कट फ्यूज आर नॉट सूटेबल, इट प्रिवेंट्स द सीटिंग ऑफ फ्यूज इन कैप। वो स्लांटी कट में प्रॉपर सीटिंग नहीं होती। शुड बी कट केयरली, नो स्लैपिंग। जो ओपन एंड है उसको जमीन पे भी ऐसे स्लैप नहीं करना, स्लैप करेंगे तो क्लोजिंग उसमें से निकल जाएगा, तो स्लैप नहीं करना। इसकी परफेक्ट सीटिंग रखनी है 3/8 इंच पे, आपने इसको क्रिम्प करना है। अब क्रिम्प करने के बाद जो है दूसरे एंड से आपने इनिशिएट करना है, दूसरे एंड से इनिशिएट करना है। एक एंड तो यहाँ पे लग गया सेफ्टी फ्यूज का, दूसरा एंड बाहर है ओपन है, उसको इनिशिएट करना है। और उसकी इनिशिएशन के लिए कहा है कि मैच बॉक्स वगैरह इस तरह की कोई चीज आपने यूज नहीं करनी। इसके लिए स्पेशल जो है हमारे पास जो है इग्नाइटर है, एक जो है 7 इंच हॉट फ्यूज लाइटर, और दूसरी जो चीज है क्या इग्नाइटर को 7 इंच हॉट फ्यूज लाइटर क्या है, ये जो है वो इट लुक्स लाइक ए फायर वर्क स्पार्कलर। ये जो फुल जड़ी नहीं होती जैसे आप फायर वर्क में, तो इसमें जो है वो थर्माइट जो है वो एक्सप्लोसिव लगाता है। तो जब आप इसको आप मैच बॉक्स से स्टार्ट करें, 7 इंच हॉट लाइटर है, इट विल इनिशिएट विद मैच बॉक्स, और जब ये इनिशिएट हो जाएगा यू विल पुट दैट लाइटर अगेंस्ट द ओपन एंड ऑफ द सेफ्टी फ्यूज। इसकी एक इंटेंस हीट है, उसकी वजह से ये जो है सेफ्टी फ्यूज इनिशिएट हो जाएगा। सेफ्टी फ्यूज की लेंथ जो है आपने इतनी रखी है कि आप 2 मिनट्स तक सेफ प्लेस पे चले जाएं, तो ये फिर ये स्लोली बंद करेगा और 2 मिनट्स में जब आप सेफ प्लेस पे चले जाएंगे तो इट विल इनिशिएट द डेटोनेटर। अब डेटोनेटर आपने किसके साथ लगाया हुआ है? डेटोनेटर आपने अगर जाहिर है कि आप या डिफरेंट जो है वो जो शॉक सेंसिंग डिवाइसेस हैं उसके साथ, या अगर आपने प्राइमर के साथ लगाया हुआ है तो वो प्राइमर विल इनिशिएट। तो बेसिकली ये एक पूरा इनिशिएशन सिस्टम है। आपने स्टार्ट किया सेफ्टी फ्यूज से, सेफ्टी फ्यूज को आपने इनिशिएट किया, सेफ्टी फ्यूज का जो अदर एंड है दैट इज अटैच टू द डेटोनेटर, एंड इन टर्न डेटोनेटर इज अटैच टू द एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव या प्राइमर के साथ अटैच हुआ है। तो ये पूरा एक इनिशिएशन सिस्टम, जब डेटोनेटर ब्लास्ट होगा तो फिर क्या होगा, वो प्राइमर को इनिशिएट कर देगा, तो प्राइमर ब्लास्ट होगा तो पूरा कॉलम चार्ज है एक्सप्लोड करेगा। तो ये इसका ये इनिशिएशन का एक दूसरा ये इग्नाइटर कोड। इग्नाइटर कोड भी इसी तरह ही है कि ये भी एक कोड है, वैक्स फाइबर की बनी हुई। इसमें इसका बर्निंग रेट है 1/18 सेकंड पर फुट। ठीक है, ये भी थर्माइट की जो है वो एक वैक्स जो है वो कवरिंग है, और इससे हम अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक कनेक्टर। कनेक्टर होता है तो आप इसमें क्या आ गया, इग्नाइटर कोड, इग्नाइटर कोड से कनेक्टर, और कनेक्टर को किससे लगाना आपने, सेफ्टी फ्यूज।
अब जो कनेक्टर है, जब इग्नाइटर कोर को आप इग्नाइट करेंगे तो फ्लेम मूव करेगा कनेक्टर में। कनेक्टर में जो क्या होता है कि स्मॉल प्रेस्ड चार्ज होता है, वो प्रेस्ड चार्ज जब इग्नाइट होगा तो इट विल इनिशिएट द सेफ्टी फ्यूज। तो ये टू वेज हैं, दे आर यूज्ड। इसको जो है फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक कोई चीज ना समझ आई हो तो सही। इसमें लिखा हुआ था कि 1 से 18 सेकंड के दरमियान ब्लास्ट हो सकता है, तो क्या कभी 1 सेकंड में ब्लास्ट नहीं, 1 से 18 सेकंड इसका बर्निंग रेट है। एक जैसे आपको सेफ्टी फ्यूज बताई है ना कि सेफ्टी फ्यूज की वैक्स्ड कवरिंग है, इनर कोर है, इसी तरह की ये एक ट्यूब है, वैक्स्ड ट्यूब है, और इसकी कोर जो है वो थर्माइट मटीरियल की बनी हुई है। इसमें जो है मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड्स मिलके वो बर्निंग मटीरियल है। वो बर्निंग मटीरियल का बर्निंग रेट बताया गया है, उसका बर्निंग रेट जो है वो बर्निंग रेट ऑफ कोर, ये किसकी बात हो रही है, इग्नाइटर कोर की जो बर्निंग रेट है उसका 1 एंड 18 सेकेंड पर फुट, डिपेंडिंग अपॉन के आप किस तरह की वो थर्माइट कोर जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये जो है वो दो तरह की इनिशिएशन है। एक तो ये समझ लें कि सेफ्टी फ्यूज है क्या, इसकी कवरिंग क्या है, इनर मटेरियल क्या है, और ये जो है वो किस तरह जो है वो इसका काम, इसको आप करते हैं, इसको डेटोनेटर के साथ किस तरह अटैच करते हैं वो भी हमने देख लिया है। डेटोनेटर इटसेल्फ है क्या, नंबर ऑफ टाइम्स हमने उसको देखा है कि प्लेन डेटोनेटर नंबर 8 या 6 क्या चीज़ है, उसमें एक्सप्लोजिव ट्रेन है, उसकी सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करती है, उसकी पावर कैसे इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको देख लें और नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम इंशाल्लाह चलते हैं। तो इसमें ये जो सेफ्टी फ्यूज वाला सिस्टम है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इट हैज़ नो डिले, इसमें डिले नहीं होता, इसमें आप डिले नहीं यूज़ कर सकते। तो जहाँ पर लॉन्गर डिलेज चाहिए वहाँ इसको यूज़ करते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी फ्रेगमेंटेशन नहीं आती, तो एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी नहीं होती लगाया हुआ है। लेकिन ऑन दी टॉप ऑन द सरफेस जो है 4 होल्स को ये इग्नाइटर कोड जो है वो कनेक्ट करेगी। इग्नाइटर कोड को आप इनिशिएट करेंगे, ये फर्स्ट होल में आएगी, फर्स्ट होल से ये कनेक्टर जो है वो कनेक्टर से जो है वो सेफ्टी फ्यूज डाउन दी होल भी जा रहा है और ऑन दी सरफेस भी जा रहा है। तो डाउन दी होल भी सिग्नल चले जाएगा, सेफ्टी फ्यूज इग्नाइट हो जाएगा एंड ऑन द सरफेस पहला होल ब्लास्ट होगा और दूसरा आपको अलहदा से इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है, तो वो इग्नाइटर कोड दूसरे होल की तरफ जाएगी। फिर एट द टॉप क्या है, कनेक्टर लगा है, कनेक्टर ज्वाइन कर रहा है 2 सेफ्टी फ्यूजेस को, 1 इज गोइंग डाउन द होल एंड अदर इज कनेक्टिंग द 3rd होल। तो वो इस तरह एक सेफ आपको थोड़ा सा इसमें मिल जाता है कि जब आप इग्नाइटर कोड के साथ जो है वो, और इसका जो बर्निंग रेट भी जो है रिलेटिवली जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू द सेफ्टी फ्यूज। तो हम ये कहते हैं कि जहाँ पे हमने नंबर ऑफ टाइम्स पहले भी पढ़ा है कि जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो एक होल के बाद जब दूसरा होल ब्लास्ट करते हैं तो सर्टन मिली सेकेंड्स का डिले होता है। एक होल ब्लास्ट हो उसके बाद जो है 50 मिली सेकेंड बाद दूसरा, 100 मिली सेकेंड बाद तीसरा, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसे इसमें डिले नहीं दे सकते। जब आप इसमें ये डिलेज वगैरह नहीं दे सकते तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने फर्स्ट होल को इग्नाइट किया, ठीक है, और सबको इग्नाइट कर दिया, अब पहला होल ब्लास्ट हुआ है, इसके फ्रेगमेंट्स जाके जो है दूसरे होल की वायरिंग पर गिरेंगे और उस वायरिंग को कट कर देंगे, तो वो दूसरा जो होल है वो मिसफायर हो जाएगा, दूसरा या तीसरा जो भी नियरेस्ट होल है, तो इससे मिसफायर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे जो है वो रिस्क बढ़ा है कि आप जो है इनिशिएट कर रहे हैं, यू आर स्टेइंग ऑन द फेस, ये चीज़ें हैं। और फिर जब आप मिली सेकेंड डिले जब इसमें नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाते तो इसमें फ्रेगमेंटेशन जो है, देखें एक नंबर ऑफ होल जब आप फायर होते हैं आफ्टर सर्टन टाइम डिफरेंस, तो उसमें जो है एक उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, उसको फ्रेगमेंटेशन को इन्हांस करता है, उसको फैसिलिटेट करता है। लेकिन एक होल जा रहा है सर्टन टाइम पे और दूसरा सर्टन जो है वो सेकंड्स के बाद या मिनट्स के बाद जा रहा है, तो वो उससे फ्रेगमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं आती, तो इससे फ्रेगमेंटेशन एक अच्छी नहीं आती, और दूसरा इसमें सेफ्टी का बहुत बड़ा मसला है। तो
अब इसमें हैजर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से द टेंडेंसी ऑफ द ब्लास्टर्स टू लिंगर टू लॉन्ग एट द फेस मेकिंग श्योर दैट ऑल फ्यूजेस आर लिट। अब आप फेस पे खड़े हैं, आपने नंबर ऑफ जो है जो फ्यूजेस को लिट कर दिया है, स्टिल यू आर लिंगरिंग ऑन द फेस और इंश्योर कर रहे हैं कि सारे ये फ्यूजेस जो है वो लाइट हो गए हैं ताकि कोई मिस फायर ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्की एक चीज है, तो ये इसमें रिस्क बड़ा है, ये रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिजायरेबल नहीं है ये सेफ्टी फ्यूज। ये एक ओल्डेस्ट मेथड है, आजकल इसको बहुत कम जहाँ पे कोई सिंगल एक दो होल आपने ब्लास्ट करने हो वहाँ पे यूज करते हैं, अदरवाइज जो है इसको यूज नहीं किया जाता। तो इसमें जो है वो ये इसके जो है वो अब इसमें जो है वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हैजर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो अदारे हैं रेगुलेशंस हैं जो कि कंट्रोल करते हैं सेफ्टी को, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं और वो रूल्स जो है रेगुलेशंस जो है वो ये है कि मैक्सिमम उन्होंने क्या है जी कि 1 person मे नॉट लिट मोर देन 15 फ्यूजेज इन ए राउंड। ठीक है, उसमें कैसे कि अगर आपने एक फ्यूज लिट करना है तो मिनिमम बर्निंग टाइम जो है वो 2 minutes होना चाहिए। ठीक है, मैंने शुरू में आपको बताया कि 40 + 40 वो 80 वो सही नहीं है। ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि मिनिमम जो है बर्निंग टाइम 2 minutes होना चाहिए, मिनिमम बर्निंग टाइम जो है वो 2 minutes होना चाहिए ताकि 2 minutes में आप सेफ प्लेस पे पहुंचे। अगर आप नंबर ऑफ फ्यूजेस 2 to 5 आप कर रहे हैं तो फिर जो टाइम 2 minutes and 40 seconds, इफ यू आर लिटिंग 6 to 10 फ्यूजेज देन 3 minutes to 20 minutes, ये मिनिमम टाइम है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। देन 11 to 15 फ्यूजेज 5 minutes, मोर देन 16 जो है उसमें नॉट अलाउड। तो अप टू 15 1 person कैन लिट मैक्सिमम ऑफ 15 फ्यूजेज, तो ये वो चीज है। और फिर इस चीज को भी इंश्योर किया है उन्होंने रेगुलेशंस ने, द फ्यूज इन द लास्ट होल मस्ट बी बर्निंग विद इन द होल बिफोर द फर्स्ट होल फायर्स। इसका क्या मतलब है, द फ्यूज इन द लास्ट होल मस्ट बी बर्निंग बिफोर विद इन द लास्ट होल बिफोर द फर्स्ट होल फायर्स, कि ये जो जितने भी फ्यूजिंग है, लेट्स से आप 10 holes फायर कर रहे हैं तो फर्स्ट ब्लास्ट होल फायर होने से पहले सेफ्टी फ्यूज जो है वो जो तमाम ब्लास्ट होल्स में या जो लास्ट में जो सबसे एंड पे है उसमें ये सेफ्टी फ्यूज बर्न कर रहा हो। ये किस लिए है, ताकि कट ऑफ्स को कम किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, लास्ट ब्लास्ट होल में बर्न नहीं कर रहा है तो अभी वहां तक जो है इनिशिएशन नहीं पहुंची, तो इट मे हैपन के जो फ्रेगमेंट्स जो है फर्स्ट होल के या सेकंड होल के वहां से उड़ के जा करके उस वायरिंग को कट कर दे और वो मिस फायर हो जाए। तो ये मिस फायरिंग के लिए उन्होंने कहा है द फ्यूज इन द लास्ट होल मस्ट बी बर्निंग विद इन द होल बिफोर द फर्स्ट होल फायर, तो इस चीज को इंश्योर किया जाए। आप कैप एंड फ्यूज जो है वो इसकी ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एक सोल्ड एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा। इसको हम एक जो है सेफ्टी फ्यूज के साथ है, एक इग्नाइटर कोड के साथ है। ये पेज नंबर जो है वो 28 पे है, पेज नंबर 27, 28 और ये 29 पे जो है इसकी जो है इसको जो है वो इस पेज पे डॉक्टर तारक साहब का जो मैनुअल है इसको देख लीजिएगा। अब इसके जो एडवांटेजेस हैं वो और डिसएडवांटेजेस उसको अगर हम दोबारा अगर देख लें, तो हम ये सिस्टम हम कहते हैं कि ये एक इनएक्यूरेट सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू टाइमिंग, कि ये अच्छी टाइमिंग नहीं देता, टाइमिंग को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, इसको ना तो इन होल डिलेज दे सकते हैं ना प्रॉपरली सरफेस पे। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द सेफ्टी फ्यूज और सेफ्टी फ्यूज की लेंथ, उसमें किस रेट से वो बर्न करेगा, ये जो है उसमें एक्यूरेसी नहीं है। मैंने जैसे बताया कि 10 seconds के साथ प्लस माइनस 10 seconds का ये एरर हो सकता है, लेकिन अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो
उसमें प्रॉब्लम जो है फर्दर इंक्रीज कर सकता है। तो एक तो इसमें इनएक्यूरेट टाइमिंग है, इनएक्यूरेट टाइमिंग है तो फिर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन अच्छी नहीं होगी, फ्रेगमेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो फिर जो है वो बोल्डर्स आएंगे, बोल्डर्स को फिर आप सेकेंडरी ब्लास्ट करेंगे, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, इसमें पुअर जो है वो सेफ्टी रिकॉर्ड्स है, पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड है कि एक बंदा अभी उधर जो है उसको होल्स को लिट कर रहा है, इनिशिएट भी कर दिए कुछ होल एंड इट इज लिंगरिंग ऑन द सेम फेस, तो रिस्की है उसमें, तो ये इतना सेफ नहीं है। होना तो ये चाहिए कि आप दूर बैठे इनिशिएट करें और विद इन जो है फ्यू मिनट्स ये ब्लास्ट हो जाए, तो आपको फेस के ऊपर रह के इसको इनिशिएट करना पड़ता है। तो ये इसका जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इसमें ये मसला सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको कुछ हद तक जब ये जो आई है ये इग्नाइटर कोड आई है उससे थोड़ा सा मसला ये हल हो गया, लेकिन स्टिल जो है वो इसमें अब इसमें हम इसको पसंद लोग क्यों करते हैं कि ये जो है वो इसमें सिंपल है, इसमें जो है कॉस्ट बड़ी कम आती है, लेकिन जब फ्रेगमेंटेशन आपकी अच्छी नहीं आएगी और जब ये प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम ऐसे हो जाएंगे, सेफ्टी प्रॉब्लम ऐसे हो जाएंगे, तो फिर ये जो है सारी कास्ट जो है ये सारी नलीफाई हो जाएगी, और फिर जब आपको जो बोल्डर्स को फर्दर उसको ब्रेक करने के लिए सेकेंडरी ब्लास्टिंग करने पड़ेगी तो आपकी कास्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये एक ओल्ड सिस्टम है जो स्टिल हम अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे सर्टन जो है वो आपने वन और टू होल्स को ब्लास्ट करना है, और जहाँ पे या कोई और एक्सप्लोजिव नहीं है तो उसको जो है आप इससे इनिशिएट कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज एक ये है कि आप आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, डेटोनेटिंग कार्ड जब पढ़ेंगे उसमें एयर ब्लास्ट होता है, तो ये इसमें एयर ब्लास्ट नहीं है क्योंकि इसमें लो एक्सप्लोजिव है, जब ये डेटोनेट नहीं करेगा, डेटोनेट नहीं करेगा तो इसकी कुछ साउंड नहीं है, कुछ इस तरह का जो है वो नहीं है, और फिर डिसरप्शन नहीं है। डिसरप्शन हम आगे जाके डेटोनेटिंग कार्ड का पढ़ेंगे कि डाउन दी होल जब इसको यूज करते हैं जहां जहां से गुजरती है वो सारे कॉलम चार्ज को डिस्टर्ब कर देती है, तो ये इसमें डिसरप्शन नहीं है, इसमें डिफ्लेग्रेशन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है तो वो कॉलम चार्ज को डिसरप्ट नहीं करती, या इलेक्ट्रिक सिस्टम में स्ट्रे चार्जेस की वजह से जो है एक्सीडेंटली जो है वो इनिशिएट हो जाता है इलेक्ट्रिक सिस्टम, तो इसमें वो भी नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो इसको जो है वो इसका एडवांटेज है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आपको फ्रेगमेंटेशन अच्छी नहीं मिल रही, सेफ्टी के प्रॉब्लम है, तो ये फिर चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। देन डेटोनेटिंग कॉर्ड, सेकेंड जो है वो डेटोनेटिंग कॉर्ड, डेटोनेटिंग कार्ड आप रेड कलर में देख रहे हैं कि ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब है, जैसे वो ब्लैक कलर में थी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब, उसमें इनर कोर जो थी सेफ्टी फ्यूज में क्या थी, ब्लैक पाउडर, इसमें इनर कोर जो है PETN है, हाई एक्सप्लोजिव है, PETN ये वही है जो डेटोनेटर की बेस है, और PETN जो हाई एक्सप्लोजिव है इसकी डेटोनेशन वेलोसिटी 22,000 फीट पर सेकेंड, सो इट इज ए हाई एक्सप्लोजिव। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि ये डेटोनेटिंग कॉर्ड है, इनर कोर इज फिल्ड विद PETN। अब इसको किस तरह आपने यूज करना है, आप इसको किस तरह यूज करना है, अब इसकी जो है वो आपने इसको जो ब्लास्ट होल में एक्सप्लोजिव पड़ा है उसको इनिशिएट करना है इसकी मदद से। अब इसके भी जाहिर है कि टू एंड्स हैं, यहाँ से आप इसको इनिशिएट करेंगे, दूसरा एंड जो है वो ब्लास्ट होल में लगा है। अब जब इसको इनिशिएट करते हैं तो ये तो एक हाई एक्सप्लोजिव है, और जब ये इनिशिएट होता है तो डेटोनेटिंग कार्ड जब इनिशिएट होती है तो इसकी ब्लास्ट की इतनी साउंड होती है कि अराउंड जो अगर कोई लोग रह रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया है तो वो कंप्लेन करते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड होती है क्योंकि इतनी ज़्यादा डेटोनेशन है 22,000 फीट पर सेकेंड, उससे जो एक्सप्लोड करेगा तो साउंड इफेक्ट तो होगा। तो फिर लोग इसको जब यूज़ करते हैं और जहाँ पे कंप्लेंट्स हो तो इसमें जो है 10-11 इंचीज इसके ऊपर जो है मड कैपिंग या इसके ऊपर सैंड डाल देते हैं ताकि इसकी साउंड को थोड़ा सा कम किया जा सके। अब इसको अब इसने इनिशिएट करना है किसको, एक्सप्लोजिव जो विद इन ब्लास्ट होल में पड़ा है या जो एक्सप्लोजिव है और बॉटम में प्राइमर पड़ा है उसको इनिशिएट करना है। अब अगर इसको डायरेक्ट आप लगा दें, इसके साथ डेटोनेटर भी ना लगाएं,
इसको गिरा लगा दे प्राइमर के साथ जो ब्लास्ट होल में पड़ा है, और यहाँ से आप इसको इनिशिएट कर दे। किससे इनिशिएट कर दे? आप प्लेन डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज से इनिशिएट कर दे। ठीक है, ये देखें कि अगर ये इसको, ये आपका जो है प्लेन डेटोनेटर है, और इसको ये इसके साथ लगा के इधर से इनिशिएट कर दे, और जब ये डेटोनेटर ब्लास्ट होगा तो ये इट विल इनिशिएट द डेटोनेटिंग कार्ड, और डेटोनेटिंग कार्ड जाके कहाँ पे लगी हुई है, जिसको डायरेक्ट आपने गिरा लगाई हुई है ब्लास्ट होल में, बॉटम में जो प्राइमर पड़ा है, तो इसका इसके शॉक की वजह से जो है वो प्राइमर विल इनिशिएट, वो प्राइमर इनिशिएट होगा। देर इज नो नीड टू अटैच द डेटोनेटर एट द बॉटम। ये बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो ये डेटोनेटिंग कॉर्ड जो है, देखिए डेटोनेटर में क्या है, पीटीएन है ना, पीटीएन जो है वो डेटोनेटर में है। जब पीटीएन जो एक्सप्लोड होता है तो एक शॉकिंग इफेक्ट देता है ना आपको, एक शॉक वेव देता है, और उस शॉक वेव से हाई एक्सप्लोजिव जो है वो इनिशिएट होता है। तो इसमें भी तो पीटीएन ही है, अगर इसको डायरेक्ट लगा दें उसके साथ तो ये इट विल प्रोड्यूस द शॉकिंग इफेक्ट, इट विल प्रोड्यूस द डेटोनेशन इफेक्ट, ये डेटोनेशन प्रोड्यूस करेगा एंड इट विल इनिशिएट। सो ये जो डेटोनेटिंग कॉर्ड है इसको जो है आप ये डिफरेंट स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। स्ट्रेंथ क्या है कि इसमें कॉर्ड में कितना पीटीएन डाला है, ये डिपेंड करता है इसके एक फुट में कितना आपने पीटीएन डाला है। इसमें कम से कम जो है वो 5 grains ऑफ पीटीएन भी हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 400 grains पर फुट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका जो है, इसकी प्राइमरी जो है, इसका यूज जो है, इट विल डिपेंड कि आपने कहाँ पे यूज़ करना है, फिर उस अकॉर्डिंगली आप इसकी स्ट्रेंथ जो है वो यूज़ करेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये डेटोनेटिंग कार्ड इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। कुछ जो है वो उसमें जो एक्सप्लोजिव होता है डेट इज 4 grains पर लीनियर लेंथ, एंड कुछ में क्या है एज मच एज 400 grains पर लीनियर लेंथ। तो आप इन बिटवीन भी होते हैं, 50 grains वाला भी होता है, 25 वाला भी होता है, 100 वाला भी होता है, तो कहाँ पे कैसे यूज करना है उसका यूजेज जो है वो उसकी वो डिपेंड करेगा। तो क्या करता है, डेटोनेट द अदर हाई एक्सप्लोजिव। डेटोनेटिंग क्या कार्ड क्या करती है, इट डेटोनेट द अदर हाई एक्सप्लोजिव, ट्रांसमिट डेटोनेशन वेव फ्रॉम डेटोनेटिंग कार्ड टू डेटोनेटिंग कार्ड, एक डेटोनेटिंग कार्ड से दूसरे तक, एंड टू नॉन इलेक्ट्रिक डिले कैप, और नॉन इलेक्ट्रिक डिले कैप जो उसके दूसरे एंड पे आपने लगाई। नंबर ऑफ ग्रेन्स पर फुट एंड द टाइप एंड द थिकनेस ऑफ द कॉर्ड डिटरमिन इट्स प्राइमरी एबिलिटी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये डिफरेंट वैरायटी में मिलती है, कुछ जो है 5 grains पर फुट होता है, कुछ जो है वो 50 grains पर फिट, बाज जो है वो 100 to 200 grains पर फिट, और बाज जो है 200 to 300 to 400 grains पर फिट। तो कहाँ पे आपने कौन सी यूज करनी है उस हिसाब से आपने इसको लेना। कॉर्ड्स कवरिंग डिटरमिन्स इट्स वाटर रेजिस्टेंस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, जितनी वो अच्छी कवरिंग है उतना ही वो वाटर अच्छा वाटर रेजिस्टेंट है, और उतनी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ये ना हो के खींचने से वो टूट जाए। उसकी VOD है 22,000 feet per second, रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू एक्सीडेंटल डेटोनेशन फ्रॉम इम्पैक्ट शॉक फ्रिक्शन एंड स्टे करंट। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने उसको रखा हुआ है तो ये एक्सीडेंटली इनिशिएट हो गई है, लेकिन आपने फिर भी केयर करनी है। ये नहीं है कि गाड़ी है, गाड़ी ऊपर से आप गुजार रहे हैं तो है, तो ये एक्सप्लोजिव हाई एक्सप्लोजिव है, तो एक्सीडेंटली ये एक्सप्लोड इस सूरत में हो सकता है। लेकिन वो अगर आप कॉर्ड नीचे गिरी हुई है, ठीक है, या थोड़ा सा पाँव भी ऊपर आ गया, तो एक्सीडेंटली उससे ये इनिशिएट नहीं होगी। तो रिलेटिवली resistant to accidental detonation from impact, shock, friction and stray current, current वगैरह जो कि stray current का electric system में हम देखेंगे ये मसला है, उसमें ये मसला नहीं होता। But
डील केयरफुली, आफ्टर ऑल इट इज एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव, इसको केयरफुली ले करें, केयरफुली ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि ये हाई एक्सप्लोजिव है. यूज 25 टू 50 ग्रेन्स ऑफ पीटीएम पर फुट इज कॉमन. जो कॉमन यूज होती है फीड में वो क्या है, 25 टू 50 ग्रेन्स पर लीनियर फुट, ये इसको यूज करते हैं, कॉमनली इसको यूज करते हैं. 100 टू 200 ग्रेन्स पर फुट आर सम टाइम यूज, कभी कभार हाई स्ट्रेंथ जब आपने बड़े जो है डायर के बड़े ब्लास्ट होल फायर करने हैं तो वहां पे आप इसको यूज करते हैं. और फिर जो है वो 400 वाली, जैसे मैंने बताया 400 वाली, तो अगर आपने जो है उसको आप एक्सप्लोजिव नहीं डाला, आपने जो है वो प्री स्प्लिटिंग में यूज करना है, तो ज्यादा ग्रेन्स वाली जो है वो, और जो है 200 टू 400 ग्रेन्स पर फुट जो है वो नॉर्मली जो है वो एज ए कैटरेज यूज करते हैं, जहाँ पे स्मॉल होल्स हो और आपने जो है वो कंट्रोल ब्लास्टिंग करनी हो और बहुत सेंसिटिव एरिया हो जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि वो उसमें ग्राउंड वाइब्रेशन और इस तरह जो है वो बैक ब्रेक ना हो, तो वहाँ पे 300 टू 400 ग्रेन पर फुट वाली एज ए कॉलम चार्ज भी यूज कर सकते हैं. अच्छा, एनर्जी क्या है जी, नंबर 6 प्लास्टिक कैप की एनर्जी है, जाहिर है कि उसमें भी पीटीएन है, इसमें भी पीटीएन है, तो ये जो है इसमें ये, अब इसमें चले इसमें इसी को इसी तरह पढ़ लेते हैं. इट इज सुटेबल फॉर नॉन इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग सिस्टम तंग कर रहा हो, स्ट्रे करंट्स हो और एक्सीडेंटली वहाँ पे इनिशिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक सिस्टम, तो वी गो फॉर नॉन इलेक्ट्रिक सिस्टम. तो ये वन ऑफ द ऑप्शन क्या है कि आप डेटोनेटिंग कॉर्ड से इनिशिएट करें. फायरिंग मल्टीपल चार्जेस विद मिनिमम डिले, इसमें जो है वो आप जो है वो मल्टीपल चार्जेस को फायर कर सकते हैं, नंबर ऑफ होल्स को ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जाके आगे देखेंगे कि इसमें भी एक ड्रॉबैक है कि इसमें इन होल डिले नहीं आप दे सकते. इन होल डिले इसमें नहीं दे सकते, इसमें सरफेस के ऊपर डिलेज या सरफेस कनेक्टर जो है हम यूज करते हैं, ठीक है. फायरिंग मल्टीपल डेक्स को फायर कर सकती है, डेक्स का आपको पता है कि डेक्स जो है यूज करते हैं विद इन द ब्लास्ट होल, उसको फायरिंग लार्ज ब्लास्ट होल्स जिसमें आपको श्योरिटी चाहिए होती है कि 100%, तो उसमें जो है वो इनको प्रेफर किया जाता है. इनिशिएटिंग ह्यूज ब्लास्टिंग चार्जेस सबमरीन ब्लास्टिंग वेर इट इज डिफिकल्ट टू इंसोलेट, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इसको किया जाता है. लार्ज डाया होल्स आर ऑफन इनिशिएटेड विद अ डेटोनेटिंग कॉर्ड फॉर सेफ्टी प्रिवेंशन ऑफ कट ऑफ एंड मल्टीपल ब्रांच, दे कैन इनिशिएट लो ऑर्डर डेटोनेशन थ्रू एनफो. अब ये बात जो है इसमें समझने वाली है, ये मैंने लास्ट टाइम एग्जाम में भी दी थी तो चंद ही कुछ लोगों ने इसका आंसर किया था. इसका क्या मतलब है, दे कैन इनिशिएट लो ऑर्डर डेटोनेशन थ्रू एनफो जी. जी बोले आवाज आ रही मेरी. अच्छा जी, जी जी बताएं. अच्छा एक थोड़ा सा इसमें एक तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हम इनिशिएट कर रहे हैं तो क्या उसमें एक ब्लास्ट होल है, ब्लास्ट होल में बॉटम में प्राइमर पड़ा है, ऊपर कॉलम चार्ज है, फिर स्टेमिंग है. अब इस ब्लास्ट होल को हम इनिशिएट कर रहे हैं इन सिस्टम्स के साथ. अब डेटोनेटिंग कार्ड जो है वो क्या करेगी, इनिशिएट करेगी प्राइमर को, प्राइमर को लगेगी प्राइमर किधर पड़ा है, बॉटम में पड़ा है. अब ये स्टेमिंग के थ्रू, स्टेमिंग से होके कॉलम चार्ज से होके नीचे वो प्राइमर को लगेगी, ऐसा ही है, इतनी बात तो पता है ना. यस सर. ठीक है, तो ये उसको जब ये इनिशिएट होगी तो ये प्राइमर को इनिशिएट होगी करेगी,
और जब प्राइमर इनिशिएट होगा तो ऊपर जो है वो ब्लास्टिंग एजेंट एन4 वगैरह उसको इनिशिएट ये करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि दे कैन इनिशिएट लो ऑर्डर डेटोनेशन थ्रू एन4। अब है तो ये हाई एक्सप्लोजिव, जब आपने सरफेस के ऊपर इसको इनिशिएट किया और ये इनिशिएट हो के स्टेमिंग से गुजरेगी और कॉलम चार से गुजरती हुई बॉटम में जाएगी तो ये बर्न करती हुई जाएगी और ये इसकी बर्निंग रेट जो है या इसकी डेटोनेशन जो है वो, अगर आपने ज़्यादा इसमें एक्सप्लोजिव है तो वो कितना है, वो इसका 22,000 feet per second। तो जब ये कॉलम चार्ज में से गुजरेगी, जब ये स्टेमिंग में से गुजरेगी, इट विल डिसरप्ट द स्टेमिंग, इट विल डिसरप्ट द कॉलम चार्ज, उसको डिस्टर्ब कर देगी, उसको पार्शली इनिशिएट कर देगी। तो हम तो चाह रहे थे कि ये पहले बॉटम में जाए, प्राइमर को इनिशिएट करे और वहां से सारा इनिशिएशन का सिस्टम शुरू हो और फिर ये ब्लास्ट जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो। लेकिन इसने तो जैसे ही ये गुजरी है स्टेमिंग में से, तो ये तो जाहिर है कि ये वहां से बर्न होती हुई, डेटोनेट होती हुई गुजरेगी और ये डेटोनेशन टॉप से स्टार्ट हो जाएगी और बॉटम में तो इसने बाद में पहुंचना। तो ये शुरू से ही जो स्टेमिंग में मटेरियल पड़ा है उसको डिसरप्ट कर देगी, उसको जो है वो छेड़खाड़ करेगी उसके साथ, और जो एक्सप्लोजिव है विद इन द ब्लास्ट होल कॉलम चार्ज है उसको भी ये डिसरप्ट कर देगी, उसको भी चेंज कर देगी। या इन केसेस अगर एन4 है और उसका डाया जो है वो स्मॉल है तो उसको पार्शली इनिशिएट कर देगी, या पार्शली इनिशिएट हो जाएगा तो एक्सप्लोसिव आधा तो पहले ही बर्न हो चुका है, तो आधा जो है वो प्राइमर से जब होगा तो उसकी एफिशिएंसी या उसकी आउटपुट वो नहीं होगी। या ये भी होता है कि जब वो पार्शली इनिशिएट होती है तो इनिशिएट करके जो एन4 को डेड प्रेस कर देती है, एन4 को जिस कॉलम में से गुजर रही है उसको डेड प्रेस कर दिया, तो उसकी एफिशिएंसी तो वहाँ ही ख़त्म हो गई। तो ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है कि जब ये किसी कॉलम चार्ज में से गुजरती है तो हारा के इसने इनिशिएट करना है किसको करना है, प्राइमर को, विच इज़ प्लेस एट द बॉटम, बॉटम पे प्राइमर पड़ा है उसको इनिशिएट करना है। तो जहाँ जहाँ से ये गुजरेगी मटीरियल को डिसरप्ट करेगी, और मैंने ये एग्जाम में पूछा था कि ये डिसरप्ट करती है, क्यों करती है और इसकी रेमेडी क्या है। चले डिसरप्शन का तो मुझे ये बताएं कि समझ आ गई ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या बात कर रहा हूँ डिसरप्शन। यस सर, समझ आ गई। ठीक है, अब इसका इनिशिएशन सिस्टम समझ ले, डेटोनेटिंग कार्ड, ठीक है, एक लेंथ है उसकी, लेट से वो आपने 50 फीट की एक लेंथ ले ली, 50 फीट से भी ज्यादा 100 फीट की ले ली, चले 100 फीट की लेंथ, दो ओपन एंड हो गए, एक एंड पे जो ओपन एंड है उस पे आपने क्या किया, डेटोनेटर को बांध दिया, डेटोनेटर के साथ आपने क्रिम्प किया किसको, सेफ्टी फ्यूज को, सेफ्टी फ्यूज जो है वो 2 मिनट्स का सेफ्टी फ्यूज लगाया, सेफ्टी फ्यूज के साथ डेटोनेटर है, डेटोनेटर के साथ किसको बांध दिया, डेटोनेटिंग कार्ड को। अब डेटोनेटिंग कार्ड का एक एंड रह गया, वो 100 फीट का जो एंड है वो आपने प्राइमर के साथ बांध के होल में लटका दिया, उसको होल में उसकी बॉटम में फेंक दिया। अब डेटोनेटिंग कार्ड कैसे जा रही है, अब सबसे पहले सेफ्टी फ्यूज लगा, सेफ्टी फ्यूज के बाद क्या लगा, डेटोनेटर, प्लेन डेटोनेटर, तो प्लेन डेटोनेटर के साथ क्या है, डेटोनेटिंग कार्ड। तो डेटोनेटिंग कार्ड का दूसरा एंड कहाँ जा रहा है, प्राइमर पे, और प्राइमर कहाँ पर पड़ा है, बॉटम ऑफ द ब्लास्ट होल पे। अब आपने इनिशिएट कर, जी जी सर, ये तो हमें इस तरह समझ नहीं आती, या तो मतलब हवा में ये इधर गया वो उधर गया, हम सर इसकी सुनो ये सर। चले इसकी ना मैं आपको वीडियो भी कोई तस्वीर वगैरह या वीडियो सर इस तरह हो तो बंदा को थोड़ा समझ लग जाएगा। चले नहीं ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज है, इसकी आगे जो है ना वो आके इसकी जो है मैं इसके लिए एक माइंड ना करे, इसमें बात ये है सर कि हमारी कोई नहीं, ये आपकी ये बात आपकी 100% करेक्ट है ये, ठीक है। आगे मैंने इसकी जो है वो स्लाइड्स जो है कुछ बनाई हुई है, अभी मैं क्योंकि आई वॉज टू बिजी, अभी मैंने मुश्किल से टाइम निकाला, तो वो सारी ये चीजें आपकी बिल्कुल जायज है, ये 100% करेक्ट है। तो कुछ लोगों को तो ये मेरी बात काफी डिफरेंट वो ऐसा लगता है कि जिस तरह के मैं सीरियल
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आया, ये किया वो किया, कुछ पता नहीं चलता किया वो क्या। देखिए ये वो सारी चीजें मैं उसको आपको डायग्राम के साथ भी बता दूंगा, लेकिन आपके एंड से ये चाहिए कि आप एटलीस्ट जो आपको मैनुअल दिया है ठीक है, आप उसकी एक हार्ड बाइंडिंग आपके पास होनी चाहिए, आपके पास वो एक वो भी आपके पास एक खुली किताब आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ रेफर करता हूँ वहां से तो एग्जाम्पल्स वगैरह तो उसको आप खोल के देख सकें ठीक है। तो ये चीजें जो है इसका इनिशिएशन का एक प्रॉपर वीडियो और ये एक सर्किट प्रॉपर वो मैं आपको इसको वो इसको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये एक जो सिंपल सी मैंने बात बताई है इसको जो है शायद कुछ लोगों ने इसको किया, लेकिन इट इज डिफिकल्ट कि मैंने सिर्फ सिंपल बताया कि डेटोनेटिंग कार्ड है, टू एंड्स है, एक एंड पे आपने लगा दिया है डेटोनेटर और दूसरे एंड को किसके साथ अटैच कर दिया है, प्राइमर के साथ। प्राइमर कहाँ होता है, बॉटम ऑफ द ब्लास्ट होल, और जो डेटोनेटर उसको इनिशिएट कैसे करते हैं, उसको आपने सेफ्टी फ्यूज से इनिशिएट करना है। तो सेफ्टी फ्यूज को इनिशिएट करेंगे, सेफ्टी फ्यूज विल इनिशिएट द डेटोनेटर एंड डेटोनेटर इन टर्न विल इनिशिएट विद द शॉक डेटोनेटिंग कॉर्ड। तो डेटोनेटिंग कॉर्ड को जब इनिशिएट करेंगे तो डेटोनेटिंग कॉर्ड कहाँ पे लगी है, बॉटम पे, वो प्राइमर के साथ लगी है और प्राइमर को इनिशिएट कर देगी। अब मेरा जो इससे प्राइम कंसर्न है, प्रॉब्लम ये है कि जब डेटोनेटिंग कॉर्ड कॉलम में से गुजर रही है, कॉलम में से स्टेमिंग में से होकर गुजर रही है, तो इट विल डिसरप्ट द कॉलम, डिसरप्ट उसको, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करें, वो डिसरप्ट क्यों कर देगी ये इस पे, क्योंकि ये हाई एक्सप्लोजिव है और ये जब बर्निंग अपना डेटोनेट इसमें डेटोनेशन जो स्टेज में से ये गुजरेगी तो इट विल डेटोनेट द कॉलम चार्ज, उसको डिसरप्ट कर देगी। डिसरप्शन से क्या होगा, उसकी डेड प्रेस लिमिट आ जाएगी और डेड प्रेस लिमिट से वो जो है वो एक्सप्लोजिव जो है इनफेक्टिव हो जाएगा और उतनी आउटपुट नहीं देगा। मैं सिर्फ ये इसमें ये बात आपको इसमें समझाना चाह रहा हूँ, ये अगर आपने इसको डिसरप्शन वाली बात अगर इसमें कोई मसला है तो आप जो है मुझसे इसमें पूछ सकते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। जी सर समझ लग गई समझ। हाँ जी अच्छा ये हो गया। दूसरा इसमें ये भी आपसे क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टेमिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, स्टेमिंग की सिग्निफिकेंस क्या है कि स्टेमिंग जो है एक आपको लॉक देती है, ऊपर से एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट देती है, उसमें एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट आपको देती है। जब डेटोनेटिंग कॉर्ड ही जो है उसमें आप डेटोनेटिंग कॉर्ड ने जब स्टेमिंग को डिसरप्ट कर दिया तो वो कन्फाइनमेंट वहां से लूज हो जाएगी, तो स्टेमिंग जो है प्रॉपर नहीं रहेगी, उससे भी फ्रेगमेंटेशन का जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो स्टेमिंग डिसरप्ट हो जाएगी, कॉलम चार्ज डिसरप्ट हो जाएगा, तो इसको फिर एक्यूरेट कैसे करें, एक्यूरेट करने का इसका जो है इसकी रेमेडी क्या है। हमने कहा है कि ये डेटोनेटिंग कॉर्ड्स दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट स्ट्रेंथ, ये हमने इधर अभी बात की है कि ये नंबर ऑफ ग्रेन्स एंड द टाइप एंड थिकनेस ऑफ द कॉर्ड डिटरमिन इट्स प्राइमरी एबिलिटी, उसको आप उसकी प्राइमरी एबिलिटी डिपेंड करेगी। तो अब अगर आप इधर 200 ग्रेन्स पर फुट यूज कर रहे हैं या इवन 50 ग्रेन्स पर फुट आप यूज कर रहे हैं, ये वाली भी अगर यूज कर रहे हैं तो ये दे विल डिसरप्ट। तो अगर आपने डिसरप्शन से बचाना है तो हम ग्रेन्स कम ग्रेन्स वाली, तो 5 ग्रेन्स पर लीनियर फीट वाली यूज कर लेते हैं। अब 5 ग्रेन्स पर लीनियर फीट वाली जब डेटोनेटिंग कार्ड वहां से गुजरेगी कॉलम में से उस टाइमिंग में, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा, इट विल नॉट डिसरप्ट द कॉलम, इट विल नॉट डिसरप्ट द स्टेमिंग। लेकिन इसमें एक चीज होगी जो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, वो क्या, वो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि एक एक्स्ट्रा चीज इसमें करनी पड़ेगी, वो क्या करनी पड़ेगी। जी एक्स्ट्रा चीज अब ये करनी पड़ेगी, अब इसमें जो ग्रेन्स हैं वो कम हो गए हैं, इसकी जो डेटोनेबल जो एबिलिटी है वो कम हो गई है और उसकी डेटोनेटिंग एबिलिटी जो है वो कम होने से उसका जो है वो इट विल नॉट ऑटोमेटिकली इनिशिएट द प्राइमर, आपको फिर वहां पे डेटोनेटर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा कि ये
इसको डायरेक्ट लगा दे तो ये इनिशिएट कर देती प्राइमर, अब ये डायरेक्ट नहीं करेगी क्योंकि इसकी शॉक वेव कम हो गई है। अब आप प्लेट डेटोनेटर लगाएंगे दूसरे एंड पे, दोनों एंड पे डेटोनेटर होंगे तो देन इट विल वर्क। ठीक है, तो ये इसका जो है वो एक कंप्लीट इसका सोल्यूशन है। रेमेडी क्या है कि कम ग्रेन्स वाली, 5 ग्रेन्स पर लीनियर फीट वाली इसको यूज करें, तो इसका एक तो वो साउंड इफेक्ट जो है एयर ब्लास्ट जो है उसका कम हो जाएगा, और दूसरा जो है कि इसका जो है वो डाउन दी होल जो रक्षण जो है वो भी इसमें कम हो जाएगी। चले आप मुझे ये यहाँ तक इसको रहने देते हैं, 1 मिनट से कम रह गया। इंशाल्लाह हम